हेलो एवरीबॉडी, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है प्रेपोजिशन के ऊपर। लेट्स स्टार्ट लेक्चर। पहला हमारा वर्ड है रिस्पाइट। रिस्पाइट वर्ड का मतलब होता है चैन, आराम। कहते हैं ना कि भी मुझे आराम आ गया इस गर्मी से, आई हैव रिस्पाइट फ्रॉम दिस स्कॉर्चिंग समर। तो रिस्पाइट का मतलब होता है चैन, आराम। रिस्पाइट के बाद हमेशा प्रेपोजिशन लगता है फ्रॉम। रिस्पाइट के बाद हमेशा प्रेपोजिशन लगता है फ्रॉम। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिमिस। रिमिस वर्ड का मतलब होता है आलस, आलसी, चूक जाना किसी काम से, ढिलाई करना, लेजीनेस, ये सब रिमिस होता है। रिमिस के बाद लगता है इन, जैसे रिमिस इन ड्यूटी, यानी कि ड्यूटी में आलस, ढिलाई। नेक्स्ट है स्लो। स्लो के बाद एट लगता है। ही स्लो एट डूइंग दिस वर्क, वो इस काम को करने में धीरे है, स्लो है। स्टार्ट डैश जर्नी, स्टार्ट ओन जर्नी होता है हमेशा। साइड का मतलब होता है किसी की साइड लेना। साइड के बाद लगता है विद, जैसे आई विल साइड विद माई फ्रेंड इन इन टाइम्स ऑफ नीड। मैं अपने दोस्त की साइड लूंगा, आई विल साइड विद माई फ्रेंड्स। प्रवेल वर्ड के साथ दो वर्ड लगते हैं, एक तो लगता है ओन, एक तो लगता है अगेंस्ट। प्रवेल अगेंस्ट का मतलब है कि विपरीत परिस्थितियों के खिलाफ चलना, जैसे कुछ बहुत बुरा लाइफ में, फिर भी हम प्रवेल अगेंस्ट द ऑड्स ऑफ लाइफ, यानी कि जो लाइफ की बुराइयां हैं उसके हम प्रवेल अगेंस्ट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट चल रहे हैं। तो प्रवेल अगेंस्ट ऑड्स होता है। इसका क्या मतलब होगा कि जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनके खिलाफ मूव करना, चलना। सीध, सीध का मतलब होता है गुस्से से भरा होना, उबलना। जब कोई गुस्से से उबल रहा है तो क्या लिखा जाएगा, सीध विद लिखा जाएगा। ऐसे अभी हम ये देख सकते हैं कि रेप के मामले में इंडिया की जनता बहुत गुस्से में है, तो हम क्या बोलते, पीपल ऑफ इंडिया आर सीडिंग विद लाइक एग्रेशन। सीद विद का मतलब गुस्से से उबलना। पैरिश बायस वर्ड होता है। पैरिश वर्ड का मतलब होता है खराब कर देना, बर्बाद कर देना। पैरिश के साथ अगर स्वर्ड लिखा हो तो बाय लिखा जाता है। एंड पैरिश डैश स्टार्वेशन, पैरिश विद स्टार्वेशन लिखा जाता है। पैरिश विद स्टार्वेशन का मतलब होता है कि सफ़र करना, सफ़र फ्रॉम हमने पढ़ा था, तो पैरिश विद का मतलब होता है सफ़र फ्रॉम करना, सहना, कि वो स्टार्वेशन, भूखमरी को सहन कर रहा है, पैरिशिंग विद स्टार्वेशन। इंसिस्ट के बाद लगता है हमेशा ओन। इंसिस्ट ओन का मतलब होता है दबाव बनाना, जैसे आई इंसिस्टेड ऑन हिम, मैंने उसके ऊपर दबाव बनाया। एंड प्रिवेल डैश पर्सन, प्रिवेल ओन पर्सन का मतलब होता है किसी को कंपेल करना, किसी को मना लेना किसी काम के लिए, prevail on। तो insist on and prevail on, they're almost like same, हम एक जैसे कर सकते हैं। अब हम इनको रिवाइज करते हैं। पहला हमारा वर्ड है respite from, यानी कि चैन मिलना किसी चीज़ से। remiss in, चूक, ढील, कमी किसी काम में। slow के बाद at लगता है। start journey on, side with का मतलब किसी का पक्ष लेना, side कर लेना। avail, prevail against odds का मतलब होता है कि बुराई के खिलाफ चलते रहना, जब सिचुएशन अपोजिट है फिर भी काम करते रहना। सीध विद, गुस्से से भरे होना। पैरिश बाय स्वॉर्ड होता है, यानी कि तलवार से बर्बाद कर देना। पैरिश विद स्टार्वेशन, भूखमरी को सफ़र करना, सहन करना। इंसिस्ट ऑन दबाव बनाना। प्रवेल ऑन, दबाव बनाना है किसी को मना लेना। तो ये हमने वर्ड्स किए। विल कवर मोर वर्ड्स इन नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू।